Hello all, welcome to my channel. Namaste. Today we are going to understand the present indefinite tense or present simple tense. कि ये क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसको अपन पहले एक्सप्लेन करेंगे एंड देन एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे और मैं जितना इजी हो सके उतना इजी आपको समझाने की कोशिश करूंगी. रोजाना दिनचर्या वाले सेंटेंसेस प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में आते हैं. तो मतलब जो रोजाना और दिनचर्या में जो अपन करते हैं, मैं खाना खाती हूँ, मैं सोती हूँ, मैं टीवी देखती हूँ, तो मतलब ये क्या हो रहा है, ये अपना रूटीन बना हुआ है. आप भी देखेंगे कि ये सेंटेंसेस कैसे हैं, रोजाना करने वाले हैं. मैं नहाती हूँ, पहनती हूँ, मैं खाना खाती हूँ, तो ये कैसे सेंटेंसेस है जो अपन डेली करते हैं. ठीक है, जो रूटीन में अपन काम करते हैं वो किस में आते हैं, सिंपल टेंस में, क्योंकि ये सिंपल होते हैं जो अपन चीजें रेगुलर कर रहे होते हैं. तो इससे पहले प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस पे आए, मैं आपको बताती हूँ कि इंग्लिश में क्या तीन चीजें इम्पोर्टेंट होती है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट. एक फॉर्मूला है, ठीक है, ये देखो ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला ऑल ओवर इंग्लिश में काम करेगा. आपके सेंटेंसेस फॉर्म इस अकॉर्डिंग होते हैं, इसके अकॉर्डिंग होते हैं. एस फॉर सब्जेक्ट, वी से वर्ब, ओ से ऑब्जेक्ट. अब ये क्या होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट होता है जो काम कर रहा है, लाइक मी. इसका जवाब कौन होता है, हु, कौन कर रहा है, ये काम कौन कर रहा है. या तो वो काम आप कर रहे होंगे, यू, या फिर वो काम कौन कर रहा होगा, मैं, जिसमें मैं बोलूंगी आई. ठीक है, तो इसका जवाब होना चाहिए हु. वर्ब, वर्ब क्या होती है, क्रिया. ये देखो ये मैं क्रिया कर रही हूँ, ऊपर नीचे अप डाउन कर रही हूँ मेरा हैंड, तो ये क्रिया हो गई. ठीक है, ऑब्जेक्ट, व्हाट एंड हुम. इसका जवाब, आंसर क्या होना चाहिए, व्हाट एंड हुम. अभी मैं पढ़ा रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, आई एम टीचिंग. ठीक है, तो ये क्या हो गया, मैं क्या कर रही हूँ, क्या का जवाब या फिर किसको का जवाब आना चाहिए ऑब्जेक्ट के रूप में. ठीक है, तो ये बहुत सिंपल है, ये बहुत ऐसी चीजें हैं, जब आप एग्जाम्पल लोगे ना तब आपको ये समझ में आएगा. बट जब अपन हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे तो मैं इस अकॉर्डिंग ही आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगी. ठीक है, तो इसको हु को क्या बोलते हैं, कौन. वर्ब क्या होती है, क्रिया, जो काम कर रहे होते हैं, लाइक आई एम राइटिंग, आई एम रीडिंग. ठीक है, तो ये जो काम होते हैं वर्ब, जो मैं कर रही हूँ, आई एम जॉगिंग, आई एम वॉकिंग, आई एम वॉकिंग. ठीक है, तो ये जो ये क्या होती है, वर्ब, क्रिया होती है. ऑब्जेक्ट, जो मैं काम कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ, जो भी मैं काम कर रही हूँ. ठीक है, मैं स्नेहा को पढ़ा रही हूँ, किसको, किसको का जवाब ऑब्जेक्ट में आता है. ठीक है, तो मैंने एग्जाम्पल लिया है, आई टीच इंग्लिश. अब सब्जेक्ट क्या है, आई, आई यानी कौन, कौन, आई, मैं. ठीक है, टीच, मैं कोई काम कर रही हूँ, ये क्रिया है, टीच, किसी को पढ़ाना, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये मैं क्रिया कर रही हूँ. ठीक है, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, टीच, पढ़ाने को, और क्या पढ़ा रही हूँ, इंग्लिश. तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या आया, क्या क्या जवाब मिल गया अपन को. ठीक है, आई टीच इंग्लिश, तो ये क्या हुआ, अपना एक सेंटेंस की फॉर्म में आ गया. ठीक है, तो अपन को ये स्ट्रक्चर ध्यान में रखना है, सब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है, इससे ही सारे सेंटेंसेस बनेंगे. तो अपन आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस पे. जैसा मैंने बताया कि यहाँ पे रोजाना और दिनचर्या में जो काम होते हैं डेली रूटीन में, वो आते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस में, जो अपन नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे.